हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे नीचे जाके देख लीजिएगा। काफी 30 रुपए का एक स्टॉक है जो कि फ्यूचर मल्टीबैगर है। डेफिनेटली उसे वीडियो को देखिएगा, उसकी गहराई को नापिएगा। ओके, एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की, और किस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम रिवील करूंगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्टॉक तैयार हो रहा है अडानी ग्रीन को टक्कर देने के लिए। अडानी ग्रीन आपको पता ही है क्या, 1212 रुपए का शेयर है। अगर हम बात इसके मैक्सिमम की बात करें तो कभी 30 रुपए का शेयर हुआ करता था आज से 2 साल पहले, और आज की डेट में अगर देखते हैं तो 1200 रुपए का ये स्टॉक चल रहा है और 1300 रुपए तक का हाई जंप लगा के ये आया है। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बट वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी होली कहना चाहता हूँ, आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, तो ताकि आप अच्छी खासी होली खेले। ओके, और सावधानी से खेले। एंड एज वेल एज हम सबसे और आपका स्वागत करता हूँ हमारे सबके चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में। और इसी तरीके की हम वीडियो आप अक्सर लाते रहते हैं, तो बेल आइकन को हिट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को हिट करिए ताकि फौरन तौर पर इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका श्री राम जी का जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, और अपनी इच्छा अनुसार एक पुण्य काम में आप मदद कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अडानी ग्रीन किस तरीके से 30 रुपए का शेयर ओके 1200-1300 रुपए की रेंज पे चल रहा है विदिन 2 ईयर, तो इसके पीछे एक रीजन था कि हाँ, इसमें एक नाम जुड़ा हुआ है अडानी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब एक आपको एक अच्छी एनर्जी, वो एनर्जी जिसमें किसी तरीके का पॉल्यूशन ना हो, इसी तरीके की एनर्जी। तो आपको बताना चाहता हूं एक और सेक्टर है, एक और कंपनी है जो कि इस सेक्टर में उतर रही है, वो तो रेपुटेड कंपनी है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। अगर हम उसके रिटर्न्स की बात करें तो वन डे में आप देख सकते हैं लगभग 5% की जंप है, वन वीक में आपको हरा निशान दिख रहा है, 3 महीने में हरा निशान दिख रहा है, अगर 1 साल की हम बात करते हैं तो लगभग 193 मतलब 200% के रिटर्न आपको 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी ने दिए। इसका अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इस कंपनी ने हमेशा अभी तक लोगों को परेशान ही किया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट अभी जिस तरीके से न्यूज आ जा रही है, और जिस तरीके से पिछले 1 साल से कंपनी भागे जा रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी जो 10 साल के जख्म है उन्हें उन पे मरहम तो लगाएगा ही लगाएगा, प्लस में उन्हें ठीक करके अच्छी तरह आपको गेन भी देगा, और आप प्रॉपर वे से जो इस पीड़ा से ग्रसित है वो अच्छी खासे रिकवरी भी कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें उस शेयर की, तो मैं बताना चाहता हूँ 27 रुपए का ये शेयर 52 वीक लो 12 मई को हुआ करता था, आज की डेट में अगर देखे तो 52 वीक हाई में 12 मार्च को आज से लगभग 10 दिन 12 दिन पहले 52 वीक हाई लगाया था, 114 रुपए का ये शेयर आया था। और बात करें तो 1,38,30,621 शेयर यहां पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए भी गए हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 46.86% है, जो कि प्रमोटर्स खुद अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और अगर हम यहां पर एक चीज और देखें, यहां पर कोई भी यहां पर जो शेयर है लगभग 2.59% की शेयर गिर हुई है, जो कि बड़ा कम है, और आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो एक ग्रुप है काफी बेहतरीन ग्रुप है। अगर हम बात करें यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक दिन का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, ओके 6 मंथ का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 1 ईयर का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम में देखिए पहले अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, बट इसके बाद जो गिरावट हुई है ना, वो भी गिरावट काफी बेहतरीन गिरावट हुई है, मतलब काफी अच्छी खासी। तो इस शेयर को इस शेयर को केवल वही लोग रख सकते हैं जो कि अच्छे खासे मतलब मार्केट में पेन को झेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरावट देख रहे हैं ना, इसी तरीके की गिरावट यहाँ पर एक बार नहीं काफी बार होती हुई हमें यहाँ पर नजर आई है। अगर बात करें यहाँ पर इस साल में इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो नो डाउट जिस तरीके से ये इस न्यूज पे न्यूज आ रही है, तो इस बहुत सारी कंडीशन जो होती है ना इस कंपनी के लिए काफी फेवरेबल हो गई है। तो अगर मैं बात करूँ ये किस कंपनी से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसके फाइनेंशियल्स भी हम आगे देखने वाले हैं, एज वेल एज हम इसका बिजनेस मॉडल भी एक बार देखेंगे। तो अगर यहां पर आप देखेंगे, तो इस शेयर में
आप हमेशा थोड़ा ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आप इस तरीके की गिरावट के आदि नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर ये कंपनी नहीं बनी, क्योंकि ये कंपनी अच्छा खासा अभी भाग रही है तो कभी भी नीचे भी आ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। बट कंडीशंस अच्छी इसके लिए आ रही है, तो इसमें निवेश की मेरी तरफ से तो राय रहेगी और मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर समझते हैं, तो देखिए ये कंपनी जिसमें काम करती है ना, पावर सप्लाई, मतलब ये कंपनी पावर सप्लाई में भी है, सोलर में भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सोलर पैनल भी यहाँ पर लगे हुए, और फ्यूचर में जैसे आपको पता ही है टाटा मोटर्स किस तरीके से काम कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत जल्दी लाने वाली है, तो यहाँ पर टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन आपको हर जगह दिखते हुए मिलेंगे। और बात करें यहाँ सोलर माइक्रो ग्रिड, तो यहाँ पर सोलर माइक्रो ग्रिड भी लगा रहे हैं, होम ऑटोमेशन। तो पर कंपनी का जो पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाइड है, ये सोलर में भी है, पावर में भी है, एज वेल एज यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन में भी बनते हुए हमें इस कंपनी के नजर आएंगे। और जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक न्यूज आई है, क्या न्यूज आई है, तो यहाँ पर आई है टाटा पावर कंज्यूमर इज मुंबई कैन सून ऑप्ट फॉर 100% ग्रीन एनर्जी। मतलब जहां पर भी टाटा पावर है, ओके, स्पेशली इन मुंबई, यहाँ पर मुंबई में बहुत जल्दी 100% ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ग्रीन एनर्जी क्या होती है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉपुलेशन रहित आपकी एनर्जी अभी जो आपको आती है, ओके, उसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है, बट यहाँ पर जो 100% ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, इसमें आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे फायदे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी बहुत कुछ हमें होता हुआ नजर आएगा, एज वेल एज बात की जाए पॉल्यूशन भी बहुत कम होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए ऑल द कंज्यूम यहाँ पर देख सकते हैं ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ टाटा पावर कंपनीज इन मुंबई, अभी ये मुंबई में हो रहा है, बट अगर इस तरीके से यहाँ पर ये सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लगता है कि ये पूरे जहाँ पर भी टाटा पावर है अलग अलग स्टेट्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 100% ग्रीन पावर ग्रीन एनर्जी होती हुई हमें नजर आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं वी सून बी एबल टू स्विच टू 100% रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके लिए आपको क्या देना है, जिसके लिए केवल आपको 66 पैसे पर यूनिट, मतलब पर यूनिट पर 66 पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अगर 200 यूनिट खर्च होती है तो आपको केवल अगर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो लगभग 110-120 रुपए के आसपास आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, जो कि रिलायबल भी है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हम सबका यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि हम इस तरीके की एनर्जी को, इस तरीके की चीजों को अपनाएं ताकि पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग में सहायता ना करे। तो अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल, तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी नजर आ रही है, 33,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। अगर आरओसी की बात करें 7% है, बट और स्टॉक पी की बात करें तो 35 के पी पे यहाँ पर स्टॉक आपको देखता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि हमने बात किया है सेल्स की, तो यहाँ पर आप देख लिए क्वार्टरली सेल्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं सेल्स, तो यहाँ पर 2018 में मार्च 2018 में 7,217 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में बड़ी थी, फिर यहाँ पर नीचे जिस तरीके का स्टॉक है आपको दिख रहा है ना ऊपर नीचे जाता हुआ, इसी तरीके के इसके यहाँ पर सेल्स भी होते हुए नजर आए और इसी तरीके से यहाँ पर रिटर्न्स भी मिले हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पर 2 सितंबर 2020 की, तो सबसे ज्यादा इसने यहाँ रेवेन्यू कमाया है, एज वेल एज दिसंबर में बात करें तो दिसंबर में भी अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस दिया है, सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा कम है, बट स्टिल कंपनी इज मेकिंग प्रोग्रेस, और जिस तरीके की न्यूज आ रही है चार्जिंग स्टेशन और, तो इस शेयर की तरफ आप नजरें बना के रख सकते हैं। अभी डेफिनेटली प्रॉब्लम है तो अभी स्टॉक प्राइस भी आपको कम में मिल रहा है, बट अगर एक बार कंपनी रनिंग करेगी, बिजनेस अच्छा करेगी और ये सारी की सारी न्यूज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शेयर प्राइस फिर शेयर इस प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट तो देखिए कम होता हुआ हमें नजर आ ही रहा है, जहां पर 2018 में कितने 1291 करोड़ का प्रॉफिट था, आज की डेट में 248 करोड़ का प्रॉफिट है, बट नॉट एन इश्यू, कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट करती हुई हमें नजर आ रही है। सेल्स की भी बात करें तो यहाँ पर आप प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स 18,000 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ते हुए यहाँ पर 28,000 करोड़ की सेल्स हमें नजर आ रही है, जो कि काफी अच्छी ठीक ठाक है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं यहाँ पर एक साल में लगभग 1137 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट होता हुआ नजर आया, जो कि पिछले इस साल से अगर बात करें, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं पिछले सालों से थोड़ा सा कम है,
बट नॉट एन इशू, जिस तरीके की न्यूज है ऑलरेडी, फिर वही डिस्कस मैं आपको बार बार कहूंगा। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 21,000 करोड़ का रिजर्वेशन है, बोरिंग भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपनी ने 2% के शेयर प्लस कर रखे हैं, तो यहाँ कंपनी को बोरिंग भी देनी पड़ रही है, बोरिंग भी है 44,000 करोड़ की। इन्वेस्टमेंट भी देखिए तो 14,000-15,000 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 4,621 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है। तो कंपनी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी इनकी बैलेंस शीट नहीं है, बट स्टिल हम बिलीव कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर इस किस जिस तरीके की यहाँ पर सर्कमस्टांसिस बन रहे हैं अराउंड द कंपनी, अराउंड द ईवी आ रही है एज वेल एज ग्रीन एनर्जी में आ रहे हैं, सोलर पैनल की बातें हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर में होते हुआ मिलेगा, बट आपको धीरे पहले इसकी क्वार्टरली रिजल्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, सब चीज की और ध्यान देना होगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर अगर देखते हैं जून 2020 में 37% थी, और अगर हम बात करें सितंबर और दिसंबर में जो कि हमें बढ़ती हुई नजर आई है, अगर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं ना तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ होने वाला है। एफआईएस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं एफआईएस निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बट स्टिल 12% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर यहाँ पर इन्होंने ले रखे हैं, यहाँ पर सेप्टेम्बर से दिसंबर में 2% की यहाँ पर इजाफा ही हुआ है। और अगर डीआईएस की बात करें उन्होंने कंटिन्यूसली थोड़ा सा कम करा है, गवर्नमेंट की बात करें 0.8 और रिपब्लिक की बात करें तो यहाँ पर 16% की सरकारी पब्लिक की हमें नजर आती है। तो बैलेंस शीट ठीक ठाक है ओके, बट फ्यूचर में जिस तरीके के इसके प्लान्स है, जिस तरीके का इसका बिजनेस है, तो मुझे लगता है कंपनी आगे की तरफ बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। तो हर चीज की ओर ध्यान देते हुए, लॉन्ग टर्म की ओर ध्यान देते हुए और फ्यूचरिस्टिक्स होके तो हमें आगे की सोचनी पड़ती है, और आगे की सोच के अगर हम इस कंपनी पर दाव लगाते हैं तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर इसने अगली बार के जो रिजल्ट है Q4 के अच्छे दिए तो हम अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और जब हमें लगेगा कि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो हम इसमें एग्जिट भी हो जाएंगे। तो ये सारी बात थी किस शेयर से रिलेटेड, टाटा पावर से रिलेटेड। तो ये टाटा पावर ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो ये अडानी ग्रीन को टक्कर दे सकता है। बाकी ये इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है, सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉलेजेबल वीडियो है, और कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो अपने फ्यूचर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर ले। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हमारा एक ग्रुप बन सके और आगे एक हमारी फैमिली बन सके। और हमारी जब फैमिली बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे, पेजेस बनाएंगे एज वेल एज ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे भी, तो हम अच्छे खासे आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।